गवर्नेंस इज टोटली मिक्स सा है. जैसे कुछ टॉपिक्स वहाँ के स्टैटिक है, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, इसके ऊपर यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर बेसिक डेफिनेशंस और एक एक चीज का मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हो. लेकिन कुछ डायनामिक है, जैसे कोई पॉलिसी या प्रोग्राम आ गया, कभी मनरेगा के ऊपर आ गई या कोई पॉलिसी के ऊपर, वो पूछ लेते हैं कि एनालिसिस करो इसका, तो उसके लिए यू शुड बी थोरो विद द करंट अफेयर्स. जैसे न्यूज़पेपर्स में भी और मैगजीन्स में भी इट्स वेरी थॉरली कवर्ड. तो वहां से आप अपने बेसिक्स अपने माइंड में एक फ्रेम बना के रखो. कोई भी पॉलिसी पूछते हैं तो यू शुड हैव 4-5 पॉजिटिव पॉइंट्स, 4-5 नेगेटिव पॉइंट्स एंड व्हाट मोर कैन बी डन, ताकि आप उसको एक कंप्लीट एनालिसिस की तरह प्रेजेंट कर सको. इसी तरह से जो टॉपिक है हमारा सोशल जस्टिस वाला, उसके लिए भी हमें जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे कि रिजर्वेशन हो गया और जो भी सोशल जस्टिस में वुमेन हो गए, एल्डरली हो गए, फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा मटेरियल अगर आप प्रिपेयर करके रखोगे तो वहां पर आपके लिए कीवर्ड्स को एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है.